नमस्कार दोस्तों दोस्तों ये वीडियो देख रहे हो आप लोग जगराऊ मेले की। जगराऊ मेला 2024 चल रहा है, बढ़िया मेला चल रहा है। 20 तारीख तक ये मेला चलेगा। आप लोग भी अपने घोड़े घोड़ी खरीदना चाहते हो या बेचना चाहते हो तो जगराऊ मेले में आ सकते हो। पंजाब का फेमस मेला है जगराऊ मेला। व्यापारी भी खूब आए हैं और घोड़े घोड़ी भी इस साल खूब आए हैं। तो एक बार भैया से बात करेंगे, भैया भी खूब घोड़े घोड़ी लेकर आए हैं और बढ़िया घोड़े घोड़ी लेकर आए हैं। तो एक बार इनसे बात करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे इनके घोड़े घोड़ी। नमस्कार भैया। क्या नाम है भैया? प्रदीप सिंह जी। प्रदीप सिंह जी कहाँ से आए हो? जड़ाहा गांव से। कहाँ से आए हो? जड़ाहा गांव है, अहमदगढ़ मंडी के पास। हाँ, कितने घोड़े घोड़ी लेके आए हो? दो लाए हैं भैया। दो लाए हो? क्या स्टेट फार्म का नाम है? मनोहर स्टार्ट फार्म जड़ाहा। मनोहर, कितने घोड़े घोड़ी है टोटल आपके पास में? टोटल तो भाई है पाँच ही है। पाँच है। सेल परचेज का काम है या शौक से रख रहे हो? नहीं, शौक से भाई। शौक से ही रख रहे हो। कितने साल हो गए आपको घोड़े घोड़ी रखते हुए? तकरीबन हो ही गए चार पाँच साल। आपके फादर भी रखते थे या आप ही रखना शुरू किए? मैं ही रखा। आपने ही शुरू किया, शौक आपको ही था? हाँ जी। परिवार में? हाँ जी। बढ़िया चल रहा है काम? बढ़िया जी, बढ़िया। शौक भी पूरा हो रहा है? बिल्कुल। हाँ, शौक पूरा हो रहा है और शौक तो होना ही चाहिए। दूसरा कोई शौक लगे उससे अच्छा ये शौक सबसे बेस्ट है। आदमी के टाइम पास भी होवे और जानकारी भी मिले। तो एक बार मेरे को इसकी जानकारी देना सर, क्या उम्र है इसकी? इसकी उम्र साल की है बच्चे। एक बार बच्चे दिया ना, मुंह मेरी तरफ करना भैया। बच्चे दिया, कितने साल की है? साल की है भैया। एक साल की? अरे वाह, क्या हाइट होगी भैया? हाइट तो भाई होगी 59 के लगभग। ये कौन सा कलर है? कुमेत बोलते हैं। कुमेत बोलते हैं। माथे पे फूल है? हाँ, माथे पे फूल। एक पैर, एक पैर पिछला सफेद है। कुमेत कलर। कौन से घोड़े की है? लाल रतन की है। बच्ची है ना? बच्ची है। इसकी मदर ये पास में खड़ी है? नहीं, इसकी मदर तो घर में है। इसकी मदर घर पे है। आपकी होम ब्रीड है या खरीदी हुई है? होम ब्रीड है। अरे वाह, लाल रतन की है। और माँ कौन से लाइन की है? माँ फौजी की है। फौजी की है। आपके घर की है? खरीदी थी। माँ खरीदी थी। और ये बच्ची होम ब्रीड है। बिल्कुल। बाल बाउरी क्लियर है? क्लियर है। अभी ये सेल के लिए भैया? दिखाने के लिए लेके आयो? घर पे ही रखोगे? ब्रीडिंग करते हो आप तो? बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार मेरे को उसका बताना भैया, थोड़े बीच में आ जाओ ना आप। एक बार आप बीच में आ जाओ। हाँ, क्या उम्र है भैया उसकी? वो 4 साल की होगी। 4 साल की घोड़ी है ना? हाँ, घोड़ी है। क्या हाइट होगी भैया उसकी? उसकी होगी भाई 62 प्लस होगी। 62 प्लस है। बाल भवरी क्लियर है? हाँ, क्लियर है। ये कौन सा कलर है? महुआ बोल देते हैं। 62 प्लस हाइट है। मारवाड़ी है? मारवाड़ी। कौन से घोड़े की है ये? परबात की है। आपने खरीदी है? उम्रीड है ना? खरीदी है भाई। खरीदी है? कहाँ से खरीदी इसको? इधर बठिंडा साइड से खरीदी है। बठिंडा साइड से खरीदी। आपने खरीदी है? हाँ जी। प्योर मारवाड़ी है तो? हाँ जी। और प्रभात लाइन का है, शानदार घोड़ा है। 62 हाइट है। अभी सुबरे या खाली है भैया? खाली है। अभी खाली है मौके पे? मौके पे खाली है। तो ये सेल के लिए भैया या दिखाने के लिए ले? दिखाने के लिए लेके आयो। सेल के लिए कोई नहीं है, ब्रीडिंग के लिए काम में लोगे इसको तो। क्यों, हाइट वाली घोड़ी है, बनी हुई घोड़ी है और हैवी लाइन की घोड़ी है। तो भैया आप जैसे आप घोड़े घोड़ी रख रहे हो और आप बिल्कुल नए थे, आपके घर पे घोड़े घोड़ी रख रहे नहीं रख रहे, आपने ही लेने शुरू किए, तो अब मेरे को एक चीज़ बताओ, आप ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लोगों को ज़्यादा सही सलाह दोगे, अगर नया आदमी कोई घोड़े घोड़ी खरीदे तो इस व्यापार में फ़ायदा या घाटा है? फायदा है। फायदा है। पहले तो शौक है, जिसको शौक है वो रखे। हाँ, शौक के हिसाब से सब कुछ पूरा हो जाता है। शौक के हिसाब से सब पूरा हो जाता है। और व्यापार करे तो भी फायदा ही है। व्यापार में लॉस तो कुछ नहीं है। नहीं, लॉस अगर सही तरीके से करेगा, इज्जत से तो सही है ना? सही है। ईमानदारी से करेगा तो ठीक है, तो सब कुछ मिलेगा। हाँ, ब्रीडिंग करे, खुद के ही घोड़े घोड़ी रखे और खुद ही बच्चियाँ पैदा करे, बढ़िया बढ़िया बच्चियाँ, और अपना व्यापार करे। तो भैया आप कोई भी घोड़े घोड़ी खरीदते हो मेरे को बताओ, क्या देख के लेते हो आप घोड़े घोड़ी में? तो हम तो भाई बाबा बोलू जी हैं। हाँ, उनको जो वो बोल देते हैं भी ये लेना है। हाँ, उनकी मर्जी से चलते हैं। तो आप ये जैसे कई जने लोग बाल भौरी देखते हैं, देवमन देखते हैं, आप देखते हो? बाबा जी देखते हैं। जो बाबा जी देखते हैं आप दबाते हैं घोड़ियां, हमको आपको वही दिलाते हैं? वही दिलाते हैं। उनके पास में है घोड़े घोड़ी? सकाब घोड़ा उनका ही है। हाँ, तो फिर उनके एक्सपीरियंस खूब है और सकाब नामचित घोड़ा है, तो वही आपको दिलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेल के लिए आपके पास में एक भी जानवर नहीं है? नहीं। जगराऊ मेला ठीक चल रहा है? पूरा बढ़िया है। बढ़िया चल रहा है ना? बढ़िया।
तो नया आदमी कोई भी घोड़े घोड़ी खरीदे तो पहले उसको घोड़ा लेना चाहिए या घोड़ी लेनी चाहिए? घोड़ी लेनी चाहिए। घोड़ी लेनी चाहिए क्यों भैया? वो शौक और बढ़ता है, वो बच्चा देगी और शौक बढ़ेगा। सुपर घोड़ी लेनी चाहिए ताकि शौक और बढ़े और बच्चा भी हो जाएगा, और बच्चा सही अगर रखेगा तो घोड़ी की वैल्यू खड़ी कर देगा, सही है ना? और शौक भी पूरा हो जाएगा। राइडिंग भी करवाती है भैया ये घोड़ी? हाँ कराती है। राइडिंग की चालू है? हाँ जी, हाँ जी। क्या स्पीड से चलती होगी? स्पीड तो हम शौक से ही चलाते हैं। शौक से ही चलाते हो हैं? अभी सुबह है या खाली है? नहीं अभी खाली है। खाली है ना, तो दो ही लेके आए हो आप तो? हाँ दो ही लेके आए। ये किन का है? ये भी है हमारे दोस्त मोरी से। एक बार आप आओ ना। घोड़े का बच्चा है। कौन से घोड़े का बच्चा? पटवारी का है। पटवारी का, ठीक है ठीक है ठीक है। पटवारी वो बाबा के पास में है जो पटवारी बाबा के पास में? हाँ जी मोहड़ी कलाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या हाइट होगी सर इसकी? हाइट मिनी तो है नहीं हूँ, बाढ़ तो बाती है 62 से ज्यादा है। ये कौन सा कलर है? ये नीले कलर का है। नीले कलर का घोड़ा है ना? हाँ जी हाँ जी। बछेरा है। बछेरा है हाँ जी। क्या उम्र क्या है इसकी? इसकी 17 महीने है। 17 महीने? हाँ जी। अरे वाह यार, खूबसूरत बच्चा है, हाइट भी ठीक है 17 महीने में। बिल्कुल। तो ये दिखाने के लिए लाए हो या भैया सेल पर्पज से? नहीं नहीं, दिखाने के लिए। दिखाने के लिए लाए। फार्म पे कितने घोड़े घोड़ी आपके पास में? आपके हमारे भाई फार्म पे तो थोड़ी है, घर पे रखे हैं जा रहे। हाँ घर पे रखे हुए। शौक से ही रख रहे हो या सेल परचेज का काम? नहीं, नहीं भाई शौक के लिए। शौक के लिए, सेल परचेज का नहीं। टोटल कितने घोड़े घोड़ी आपके पास में? 4 है। 4 है, शौक से ही रख रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये बच्चा आपका होम ब्रीड है खरीदा हुआ भैया? हाँ जी हाँ जी, होम ब्रीड है। होम ब्रीड है ना? आलीशान की। इसकी माँ आलीशान की है। आपके घर पे ही है वो अभी तक? नहीं अभी उसकी डेथ हो गई। डेथ हो गई है? हाँ हाँ। आप बच्चा दे दिया आपके पास में, निशानी तो है ही है, और बढ़िया बच्चा दिया। पटवारी घोड़ा नामचिंद घोड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कौन सा कलर है भैया? नीला है ना? बाल भोगी क्लियर है इसकी? हाँ जी हाँ जी क्लियर है। नहीं बढ़िया बच्चा बनेगा यार। एक बार यहाँ आओ भैया, इसका बताना थोड़ा। नमस्ते भैया। भैया क्या नाम है इस घोड़े का? इसका नाम सुरखाब है जी। सुरखाब? सुरखाब। सुरखाब। क्या उम्र है सर इसकी? इसकी उम्र है 6 साल। 6 साल। क्या हाइट होगी सर इसकी? इसकी 67 है। 67। बढ़िया हाइट है सर है। कौन से घोड़े का है सर ये? ये देवराज रनिया वाला। देवराज रनिया वाला। बढ़िया बढ़िया। माथे पे पट्टा है? माथे पे ब्लेज है। तीन पैर सफेद है, ब्लैक घोड़ा है, बढ़िया घोड़ा है। आपकी होम ब्रीड है या खरीदा हुआ है सर? खरीदा हुआ है, बाइक किया है। खरीदा हुआ है ना? कहाँ से खरीदा सर इसको? एमएलए है। हाँ एमएलए साहब से खरीदा है। बिल्कुल। तो सर ये इसकी क्रॉसिंग चालू है? क्रॉसिंग चालू है। कितनी घोड़ियाँ क्रॉस हो गई होगी? 200-300 घोड़ी हो गई। कैसा आ रहा है सर रिजल्ट? बहुत बढ़िया आ रहा। बढ़िया रिजल्ट अपने ऊपर ही दे रहा है रिजल्ट? घोड़ियों के ऊपर रिजल्ट अपने ऊपर ही दे रहा है? अपने ऊपर ही दे रहा है। बढ़िया बच्चे आ रहे हैं। क्या कवरिंग फीस क्या है सर इसकी? 75,000। अगर कोई भाई बाहर से घोड़े घोड़ी लेके आवे अपनी घोड़ी तो रोकने की जगह है आपके पास? क्या चार्ज है सर उसका? 1 लाख जैसे। 1 लाख के लगभग है, यानी 75 फीस हो गई, 25,000 रोकने का चार्ज हो गया। और कंफर्म करवा के देते हो घोड़ी? बिल्कुल। एक बार आपके कॉन्टेक्ट नंबर बोलना सर। 97-147-45-744-45-774। दोस्तों ये भैया के नंबर है। आप लोग देखो बड़ा प्यारा घोड़ा है, बढ़िया घोड़ा है। तो आप लोग अगर अपनी घोड़ी कवर करवाना चाहते हो तो भैया ने अपने नंबर दिए, आप लोग अपनी घोड़ी ला सकते हो कवर के लिए। बढ़िया घोड़ा है, आप लोग देखो हाइट बाज घोड़ा है और मंडी में अलग ही खड़ा है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ठीक है भैया, थैंक यू भाई, थैंक यू सर, थैंक यू।